जो हमें ट्वेल्थ के एग्जाम से फॉलो कर रहा होगा उसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेवल किस लेवल पे रहता है और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते कैसे या टेंथ के बच्चे हो या के बच्चे उन्होंने देख लिया अब बात चल रही है इंजीनियरिंग की तो सर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको कैसे पता चलेगा भाई पता कैसे चलेगा बताता हूं सबसे पहली बात भाई पता चलने के लिए उस फील्ड में बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है मेरे घर में खुद जो मेरा छोटा भाई है वो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर है और उसने ऑफलाइन के टाइम मुंबई यूनिवर्सिटी में टॉप किया हुआ है ओके और जिस कंडीशन में रह के हमने टॉप किया भाई वो हमारी अगर स्टोरी देखना है तो प्रदीप गिरी ब्लॉग पे ऑलरेडी डाला हुआ है राहुल सर के बारे में जो मेरे छोटे भाई है राहुल गिरी उनके बारे में आप जाके देख सकते हो आपको पता चल जाएगा कि सर आपको इतना सब पता कैसे चलता है क्या चलता है आपको अपने आप पता वहां जाओगे तो राहुल सर की स्टोरी खुद पता चल जाएगी क्योंकि तो आपको पता तो चलना चाहिए ना भाई आपको जो बता रहे हैं उनको क्या आता है और इवन जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनका पॉइंटर ऑलरेडी बहुत हाई फाइ ये भी मैंने बताया मैंने पीछे के जो सबसे पहले मैंने टीचर का टीचर का इंटरव्यू लिया हुआ है फिर इसके बाद मैंने उनके बारे में बताया हुआ है फिर जिस दिन मैंने मैंने ये कोर्स लॉन्च किया उस दिन भी उनके बारे में डिटेल में बताया तो सब चीजें देख लो क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे सच में उनको ये चीजें पता है कि नहीं पता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है इस तो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते कहां से भाई मैं आपको बताऊ ना ये पर्सनल एक्सपीरियंस इवन जो मेरे घर में टॉपर है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और हम दोनों को कंबाइन करके मैं आपको ये चीजें बताना चाहता हूं कि अगर बस देखो बहुत सारी चीजें मैं अभी बता दूंगा मेरे को कभी कभी ये डर लगता है कि स्टार्टिंग में अगर ये चीजें बता दूं तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना ना छोड़ दे भाई सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे टेंशन ही नहीं बट गाइस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो इंजीनियरिंग के कोर्सेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है बट नॉलेज के साथ स्कोर भी करना जरूरी है नॉलेज तो जरूरी है पर नॉलेज के साथ हमारा स्कोर भी जरूरी है तो स्कोर के लिए क्या क्या क्वेश्चन है वो तो मैं बता दूंगा बट गाइस आप जो पढ़ाई कर रहे हो पूरा बेसिक से करो जम के करो नॉलेज के साथ करो इसका मतलब ये लेके मत करो कि सर इंपॉर्टेंट इसमें बता दें क्योंकि अब आप आपके फ्यूचर का सवाल है गाइस क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा कहा से कैसे कैसे आता है क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस भाई इसमें हमने खुद बहुत जम के मेहनत किया है अच्छा खासा स्कोर किया हुआ तब वो चीजें हम आपको बता रहे हैं तो अगर मैं बताऊं कि अगर अब अगर इस सेमेस्टर में एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आप इसके पहले का जो केटी का के एग्जाम हुआ होगा जो बच्चों का केटी का एग्जाम हुआ होगा जो इसमें जिनको केटी लगा हुआ वो एग्जाम देन इसके पहले का एक और एग्जाम जो इससे पहले जो सेकंड ईयर में गएंगे उन बच्चों ने दिया होगा ये बस अगर दो एग्जाम का पेपर अच्छे से कर लेते हो ना तो बता रहा फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट आपका सिलेबस पूरी तरह से आपका जो क्वेश्चन जो सिलेबस नहीं बोलूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले वो कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपको और अच्छी तरीके से करना है तो पिछले दो और चले जाओ एक के और उसके पहले का एक और पेपर ले लो ये चार आपने कर लिया तो यार आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो वो स्कोर का बारे में रेशियो तो मैं आगे बताऊंगा तो गाइस ये बहुत सारी चीजें ऐसी जो धीरे धीरे बताएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा गाइस कि ये जो फेल होने का केटी टी वेटी का फैला हुआ है ना भाई केटी टी वेटी का उनका फैला हुआ है जिन्होंने अच्छे से नहीं किया हुआ है जो ये एग्जांपल सेट करना चाहते हैं भाई केटी आएगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो भाई केटी आने से कोई खराब नहीं होता बट जब आपको पहले से ही पता है कि केटी आ जाएगा इन गलतियों के कारण तब आप गलती कर रहे हो तब आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूं ना भाई ये सब करने से आपका गड़बड़ हो सकता है हमें नहीं पता था जिनको नहीं पता है वो गड़बड़ कर रहे भाई आपके आपके सर लोगों को कुछ नहीं आया था क्योंकि आपके सर लोग पहले से तैयारी करके रखते थे इवन राहुल सर तो मुंबई यूनिवर्सिटी टॉप करके रखे हैं तो इसलिए मैं गाइस पहले से ये चीजें बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहीं से आते हैं क्वेश्चन यहीं से आते हैं बट हम कुछ सब बेसिक से करवाएंगे क्योंकि मैंने बोला इंजीनियरिंग में अपने स्किल्स को डेवलप करना है अपने नॉलेज को डेवलप करना है क्योंकि लास्ट में ऐसे इंजीनियर बनना है जिसका डंका हर जगह बजे और प्रदीप गिरी के जितने स्टूडेंट है जितने दोस्त है और जितनी आर्मी है वो दिल से करेगी गाइस और ये सभी चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब करोगे प्रदीप गिरी अकेडमी जिसमें इंजीनियरिंग के कोर्सेस आ रहे हैं स्किल्स यूट्यूब अगर किसी को बनाना है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताएंगे उसके अंदर एजुकेशनल चैनल गिरी टूटोर जिससे सिक्स से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के, के लेक्चर आ रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के आप लोग सपोर्ट दिखाओ और आगे सपोर्ट भी दिखाओगे तो एनसीआरटी के लेक्चर भी हम लाना स्टार्ट करेंगे सो भाई बहुत सारी चीजें हैं और आगे आगे धीरे धीरे हम लोग ओपन करेंगे बस अपना सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ जय हिंद दोस्तों